चैतन्य जी, अभी आपने ब्रह्मास्त्र देखी, किस तरह से रिव्यू देना चाहेंगे फिल्म का? ओवरऑल फिल्म का जो टेक्निकल एक्सलेंस है ये बहुत बड़ी हाईलाइट है। मतलब अयान मुखर्जी एज एक शोमनशिप की झलकियां हैं उसमें, मतलब ट्रीटमेंट में, बैकग्राउंड म्यूजिक, जिसे कहते हैं विजुअल ग्रैंडियर, यू नो, उसमें शोमनशिप की झलकियां आती हैं। सबसे बड़ी यूएसपी हाईलाइट फिल्म की ये है कि द केमिस्ट्री बिटवीन आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर, क्योंकि वो जब से उनका उनकी सगाई हुई, शादी हुई, अभी वो माँ बनने वाली है, तो दे आर ऑलवेज इन द न्यूज़, तो लोगों को सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहेगी यही रहेगी। तो मुझे भी इस वजह से मैं देखने आया था कि दोनों की केमिस्ट्री स्क्रीन पे कैसे नज़र आएगी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनका, मतलब केमिस्ट्री देखते, आई वॉज वेरी इम्प्रेस। हाँ, कहीं कहीं लगता था कि और थोड़ा कम या ज़्यादा होना चाहिए, बट ओवरऑल द केमिस्ट्री वॉज वेरी नेचुरल। अच्छा, फिल्म जो है ओवरऑल इट इज़ वेरी ग्रिपिंग, तो कभी कभार ऐसे लगता है कि थोड़ी रिलीफ होनी चाहिए, जैसे कि कॉमेडी हो या यू नो कुछ एक अलग किस्म का डांस हो, तो ऐसे कहीं कहीं सेकेंड हाफ में महसूस होता है कि देयर शुड बी सम रिलीफ, बट ओवरऑल द फिल्म has got a lot of surprise twist, जो कि हम रिवील नहीं करना करना ठीक नहीं समझते, लेकिन जो फिल्म की जो विलेन है, जो ओरिजिनली शी इज मौनी रॉय, जो टीवी स्टार है, वो सरप्राइज एलिमेंट है इसमें। और अमित जी का, अमिताभ बच्चन का भी एक कैरेक्टर जो है वो एक अलग किस्म का है। इवन फॉर अमिताभ कभी कभी फील होता है कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, मतलब उन्होंने जो रोल किया है, हमें लगता है कि कुछ और थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, बिकॉज अमिताभ एक हमेशा एक सुपरस्टार सुपर एक्टर रह चुके। बट ओवरऑल मैं ये कहूँगा इट इज़ गुड फॉर इंजॉइंग टेक्निकल एक्सेलेंस। एक जो थ्री डायमेंशनल में अगर आप खास देखोगे तो इट इज़ अ फैबुलस एक्सपीरियंस, और एक इंटरनेशनल लेवल की जो है VFX है इसमें, जो एस्ट्रावर्स जिसे कहते हैं, एंड द बैकग्राउंड डॉल्बी डिजिटल साउंड इज, मतलब बिल्कुल माइंड ब्लोइंग जिसे कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस फिल्म इज़ वेरी गुड फॉर व्यूइंग। अगर आप टेक्निकल एस्पेक्ट्स के फ़ैन हो और आलिया भट्ट और रणबीर के फ़ैन हो, एंड आउट ऑफ 5 मैं जस्ट फॉर टेक्निकल एक्सेलेंस मैं 3.5 स्टार्स देना चाहूँगा, एंड गुड एक्सेलेंट अटेम्प्ट बाय आयन मुखर्जी। तो अभी इस साल में जो कोई हिंदी फिल्में फ्लॉप हो गई उनको ये फिल्म सरपास करेगी? उसका इनिशियल तो बहुत अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज इसकी अच्छी बिल्डअप है, लेकिन आफ्टर द फर्स्ट 3-4 डेज तो बाद में पता चल जाएगा, क्योंकि इनिशियल आउट ऑफ एक लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि किस तरह से ये फिल्म बनी है, बिकॉज इसका मीडिया हाइप बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, और जो स्टार का जिसे ऑनसाम्बल कास्ट बोलते हैं, तो वो हिसाब से देर इज़ अ वेरी हाई एक्सपेक्टेशन इन द ऑडियंस, तो ऑडियंस डेफिनेटली देखना चाहोगी जाएगी, और ख़ासतौर पर 3D में तो एक एक्सलेंट एक्सपीरियंस। लेकिन उसके बाद रिपीट वैल्यू का क्या है वो अब हमें देखना है, बट इनिशियल इट इज़ गोइंग टू गेट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑडियंस, और वर्ड ऑफ माउथ से और भी ज़्यादा लोग उसको देखना चाहेंगे अगर एक दूसरे को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू।